यही नहीं था सृष्टि के पूर्व, केवल एक पुरुष था भगवान और उसके सब अवतार। तात्पर्य यह कि केवल एक श्री कृष्ण ही पुरुष है, शेष सब स्त्रियां हैं। लेकिन उस पुरुष का नाम रखा गया परम पुरुष। जो खाली पुरुष क्यों नहीं रखा? इसलिए कि मायाबद्ध जीव लोगों ने भी अपना नाम रख दिया पुरुष। हम लोग बोलते हैं हम लोग पुरुष हैं, जेंट लेडीज ऐसा बोलते हैं। तो ये पुरुष शब्द जो है ये मायाबद्ध जीव लोगों ने चुरा लिया वेद से। भगवान ही पुरुष नहीं है, हम भी पुरुष हैं। तो हैसियत क्या है जीव बते दो। नाम रख लिया अपना पुरुष। अब पौरुष क्या है आप में? पौरुष माने सामर्थ्य। सामर्थ्य तो ऐसी है कि अगर रात को एक तस्करी भी ऊपर से गिर जाए तो हालत खराब हो जाए उस पुरुष। क्या बम्बार्ड हुआ, चोर आए, डाकू आए, क्या हुआ? ऐसे पुरुष है हम लोग। तो ये पुरुष शब्द जब चुरा लिया माया पद्धतियों ने तो भगवान ने अपना नाम रख दिया महापुरुष। आप झगड़ा खत्म। सब मायाबद्ध जीव जो है पुरुष है और भगवान महापुरुष है। अब सब समझ लेंगे कि भाई भगवान को महापुरुष कहते हैं और सब जीवों को जो पुरुष शरीरधारी है उनको पुरुष कहते हैं। जिन जीवों ने भगवत प्राप्ति कर लिया उन्होंने अपना नाम रख दिया महापुरुष। ये महात्मा लोग, संत महात्मा, भगवान ने कहा लोग फिर हमारा नाम चुरा लिया इन लोगों ने। तो भगवान ने अपना नाम रख दिया परम पुरुष। अब वो नाम अटल हो गया, अब कोई परम पुरुष तो बनेगा नहीं। तो मैं परिहास में कह रहा हूँ, ठाकुर जी का रंग काला नहीं था और सांवला भी नहीं था। ये काला और सांवला जो बोला जाता है इसलिए बोला जाता है कि हमारी दुनिया में, इस पंच महाभूत की दुनिया में ये तीन रंग बोले जाते हैं। ये गोरा, एक सांवला बीच वाला और एक काला। ये तीन रंग हमारे यहाँ मिलते हैं क्योंकि इसलिए हम लोग बोल देते हैं ठाकुर जी काले थे सांवले थे। वो न काले थे न गोरे थे न सांवले थे, वो चौथा रंग था उनका। वो कौन सा, वो रंग कौन सा ये नहीं बताया जा सकता। क्यों? इसलिए कि तुम्हारे संसार में वो रंग है ही नहीं, बतावे कैसे। बताया है सब संतों ने, ऐसे आजकल पच्चू बता दिया। जैसे किसी को बेवकूफ बनाना हो तो किसी बच्चे को भोला भोलेपन में वो कहे हम चंद्रमा लेंगे खेलने के लिए, तो उसकी माँ कहे अच्छा अभी देती हूँ, खैर परात में पानी भर के लावे और कहे देख चंद्रमा इसमें है ना, हाँ हाँ मम्मी मिल गया मिल गया, उससे खेले। ऐसे ही खिलौना बना दिया महापुरुषों ने हम लोगों को समझाने के लिए। नील सरोरुह नील मणि, नीले कमल के समान रंग है, नीले बादल के समान रंग है, इंद्र नील मणि के समान रंग है, ऐसे बोल दिया। वो नीला भी नहीं है, काला भी नहीं है, सांवला भी नहीं है, गोरा भी नहीं है, वो चिदानंदमय देह है। जैसा रंग विश्व में कहीं होता ही नहीं, तो एग्जाम्पल कैसे दी जाए। खेलिया हिल मिल फाग लाल संग, खेलिया हिल Yeah.
जाग ला।
Kripalu kari
Yeah.